गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सिम। नेशनल वुमेन सॉकर लीग का मैच हो रहा है सीटल रियन वर्सेस ऑरलैंडो प्राइड के बीच, जो कि खेला जाएगा 3:30 बजे और इट्स अमेजिंग मैच। और आज अपकमिंग मैचेस जो हैं वो सीधा 5:30 बजे, ये रात का मैच है। इसको क्या बोलूँ, मतलब मॉर्निंग बोलूँ रात बोलूँ मेरे समझ नहीं आ रहा, मिडनाइट मैच है ये और अच्छा मैच है भाई, स्पेशल खेल भी सकते हो। तो ये मेरी टीम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, तो इस बात करें इस मैच की, तो सीटल रियन लास्ट सीजन एक अच्छी टीम थी, मतलब सीटल रियन ने बीट भी किया था ऑरलैंडो प्राइड को, लेकिन इस साल तो ऑरलैंडो प्राइड ने शुरू में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई साहब। अभी लीग की शुरुआत है और पॉइंट टेबल में, ग्रुप स्टेज की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि ये एक ही ग्रुप के मैच हैं, ओपी टीम ने सच्ची में ओपी खेला भाई, ये तो मैं जेन्युइन कहूँगा। और इस टीम ने जो किया है अभी तक 15 गोल किए हैं भाई, अभी शुरुआत में 15 गोल करना बहुत आसान मतलब नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा गोल करना। सो मैं प्राइड को फेवर करूँगा। तो आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्राइकिंग की। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के आपको अंदर बहुत प्लेयर मिलेंगे, मतलब ओपी टीम के तो आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। सबसे पहले यू हैव टू टेक बी बैंडा, ये अभी लड़की प्रीवियस मैच 27 अप्रैल के बाद सारे मई के मैचेस में दिखी है। और बर्बरा बैंडा एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है, एक इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, और मैंने इसको कहीं मैचेस में देखा भी है और ट्राई भी किया है और कैप्टन भी रखा है। पिछले मैच 27 अप्रैल को मुझे याद नहीं मैंने इसको कैप्टन रखा था कि नहीं, लेकिन मेरे को इतना याद है अगर ये खेलती तो मेरी टीम में ज़रूर होती, तो मैं इसको लूँगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो इनकी टीम में मार्टा, भाई मार्टा भी बहुत अलग लेवल की प्लेयर है और मार्टा नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर ओपी टीम में ये नहीं खेल रही तो ये इनके लिए एक वीक पॉइंट है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये खेले, क्योंकि अब इंजरी जो थी अब तक तो शायद वो ठीक हो गई होगी, उसके बाद आपको और इनकी प्लेयर देखने को मिलेंगी। बट मेरे को लैरोक्वेट और एक इनकी प्लेयर है जो ओपी टीम की, उसका नाम है एंजेलिना, इन दोनों में मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। मैं एंजेलिना के साथ जान पूछ के जाता हूँ। ये सारी ब्राज़ील की इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, मार्टा भी इंटरनेशनल है, एड्रियाना भी इंटरनेशनल है जो कि यतिस की जगह पर खेल सकती है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। तो ये चारों प्लेयर आपकी टीम में होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप ओपी टीम को फेवर कर रहे हो तो गोल आएंगे, तो आपकी टीम में प्लेयर तो होने चाहिए। ऑपोजिशन टीम में जेसो यन, मुझे इसके कुछ खास प्रदर्शन लगे नहीं, मेरे को बेलकर अच्छी लगती है, मैंने बेलकर का गेम प्ले देखा है तो मैं इसके साथ जाऊँगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें देन दोयल के बाद लुआना, जो कि ऑपोजिशन टीम की जस्ट एक एवरेज प्लेयर है, बट इसकी एक रिप्लेसमेंट आपको नहीं, दो मिनट अभी आप 6 प्लेयर मत लो यार, मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ओपी के 4 डिफेंडर लेनी है, ये दोयल वोयल तो ऐसी हैं, क्योंकि लुआना की रिप्लेसमेंट तो आप ले ही चुके हो। और बात रही दियोल की, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि अगर मैं इसे लूँगा भी तो ये 20-30 पॉइंट की खिलाड़ी, तो आप ऑपोजिशन टीम पर ट्रस्ट करो, सॉरी आपको, वी हैव टू टेक वी लेट्स को। और पिछले मैच में मेरे को जॉर्डियन ह्यूटमा खेलती नहीं दिखी थी, तो जब मैंने सुबह सुबह फटाफट प्लेयर जल्दबाजी में बदल के कोई ले ली थी क्योंकि टाइम कम रह गया था लाइनअप्स में, तो आज हम वो गलती नहीं करेंगे, अब हम शांति से टीम बना रहे हैं। सो अभी आप किसी भी मिडफील्डर के साथ ना जाकर चुपचाप डिफेंडिंग के अंदर इनकी एक प्लेयर खेलती है जिसका नाम है एल बर्निस, इसको लो। और बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो आपकी ओपी टीम की, फर्स्ट वन वॉज आर सोजा, उसके बाद के एबलो सेकेंड डिफेंडिंग कर रही है, थर्ड डिफेंडर जो इनकी रहेगी दैट वॉज ई सैम्स, और ई सैम्स को आप लोगों ने नहीं लेना, यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, तो इवोरी, एल इवोरी बहुत पुरानी प्लेयर है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह, क्योंकि जब मैं ये लीग नहीं भी खेला करता था तो मैंने इसको कई बार अलग मैचेस में देखा है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बी बैंडा, वाइस कैप्टन मार्टा। तो ये मेरी टीम है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।